दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। एडी खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव के पेश नज़र तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस DGP एम महेंद्र रेड्डी ने कहा, जुमा के रोज़ तमाम यूनिट के सरबराहों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर सारे रियासत में असर और रसूख के साथ अवामी मुकामात पर मास्क के इस्तेमाल के नफाज को तेज़ी से अंजाम दिया जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमेरात को रियासती सेहत के अहकाम को हिदायत दी कि वो दीगर रियासतों से आने वालों के COVID-19 टेस्ट करवाए। हाई कोर्ट ने यह भी मशवरा दिया कि सिर्फ उन लोगों को ही रियासत तेलंगाना में आने की इजाज़त दी जानी चाहिए जिसने RT-PCR टेस्ट करवाया हो। बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस के दरमियान निज़ामबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने महाराष्ट्र की सरहद से मसल गांव कंधाकुर्ती में बैरिकेड्स खड़े कर दिए। पुलिस लोगों को हिदायत दे रही है कि अपनी गाड़ियों पर ज़िला में दाखिल होने से कबल कोरोना टेस्ट करवाने के लिए मास्क पहने। डायरेक्टर महकमाए सेहत हुकूमत तेलंगाना के COVID-19 खसूसी बुलेटिन के मुताबिक रियासत तेलंगाना में COVID-19 के केसेस उरूज पर है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान COVID-19 केसेस की तादाद बढ़कर 2478 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए जबकि 5 अमवात की इत्तला मिली। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डाटा के मुताबिक जुम्मा के रोज़ हिंदुस्तान में 131,968 नए COVID-19 पॉजिटिव केसेस और 780 अमवात के एक रोज़ा स्पाइक रिकॉर्ड किया गया। जुम्मा को अबर आलूद आसमानी और बारिश के पेश गोई के दरमियान हैदराबाद शहर में दर्जे हरारत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हुई। GHMC के मुताबिक सरलिंगम पल्ली और दूसरे करीबी इलाकों में जुम्मा की शाम और आला सुबह हल्की बारिश का अम्कान है। GHMC अहकाम ने भी मौतखा बारिश के बारे में फ्लड टीमों को चौकस कर दिया। JB इंफ्रा रियल इस्टेट करके प्रोजेक्ट कंपनी, उनके पास में एक नीलापू नवीन रेड्डी करके वो काम कर रहा था, उसको उसके ऊपर जो भरोसा है भरोसे से तकरीबन 50,57,690 रुपीज़ कंपनी ने उसके पास में लेबर पेमेंट के वगैरह के ले दिए। ये पैसे लेके भाग गया। भागने के बाद पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेंट हो गई। कंप्लेंट के दरमियान जब हमने तहकीकात शुरू की, उसके बाद हमें मालूम हुआ कि ये जो शख्स है इसको जुआ खेलने की आदत है, ऑनलाइन गेमिंग करता है। इससे पहले एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था लेकिन वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो गई, यही गैम्बलिंग के कारण उसकी नौकरी चली गई। वो अभी यहाँ पे काम कर रहा है। इसके साथ इसके दो रिश्तेदार, एक का नाम है कोचिरला अमित रेड्डी और एक का नाम है बच्चू राम कृष्णा, ये तीनों मिलके ये पैसा आपस में बांट लिए और भुवनेश्वर कोलकाता जाके वहाँ पे भी कुछ पैसा खर्चा किए करके वो इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने पक्का इन लोगों को हिरासत में लेके इनके पास से अभी तक 28,69,800 रुपीज़ हमने बरामद किए। तहकीकात के दरमियान हमें मालूम हुआ कि जो एक्यूज नंबर 2 कोचिरला अमित रेड्डी करके है वो इससे पहले पलास